खलियाने तबाह हो जाएंगे, पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, घरों की छतें तिनकों की तरह बिखर जाएंगी। जो कुछ भी रास्ते में आएगा तबाह हो जाएगा। मिजोरम जब तट से टकराएगा तो तूफान के जोर से हर तरफ तबाही का शोर होगा। मिजोरम जब तट से टकराएगा तो सीन क्या होगा उसका ट्रेलर देखकर ही सिहरन हो रही है। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। पूरा चेन्नई शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चलाने जैसे हालात हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बह रही हैं। रेलवे स्टेशन पानी से लबालब भरा हुआ है। मिजोरम के असर से पानी इतना बरसा कि एयरपोर्ट भी बंद है। ये समंदर में आए बवंडर का असर है। समंदर में उठती लहरें आने वाली तबाही की तस्वीर बयान कर रही हैं। इस तूफान के वेग से तमिलनाडु से तेलंगाना तक अलर्ट है। तूफान मिजोरम तेजी से तट की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान तमिलनाडु के रास्ते आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम तट के बीच आज दोपहर 12 बजे के करीब लैंडफॉल करेगा। पूर्वानुमान यही है कि दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को 5 तारीख फोरनून में हिट करेगा, यानी लैंडफॉल होगा। तब ये एक सीवियर साइक्लोनस्टर्म हिसाब से लैंडफॉल करेगा और इसका विंड स्पीड होगा 90-100 किलोमीटर पर आवर, गोस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर। अभी भी इसका यही विंड स्पीड चल रहा है। मिजोरम के असर से चेन्नई पानी पानी है। इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और ओडिशा में दिखेगा। मिजोरम के असर से चेन्नई में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जब तूफान तट से टकराएगा तो तबाही की आशंका है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ऑलमोस्ट 181 रिलीफ कैंप्स इन दीस 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब तूफान मिजोरम तट से टकराएगा उस वक्त हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्ट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले में आज छुट्टी है। आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में रेड अलर्ट है, तेलंगाना में रेड अलर्ट है, ओडिशा में भी ऑरेंज अलर्ट है। टुडे टू डिसेंबर 6 फिशमैन आर एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू द सी बिकॉज़ द सी विल बी रफ, रफ टू वेरी रफ एंड हाई आल्सो इज देयर। किसी भी हालात से निपटने के लिए इन राज्यों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन और पुदुचेरी के CM N. रंगासामी से बात की। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। आगे मदद के लिए NDRF की रिजर्व टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। Thank you.